नमस्कार, मैं अमय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएफआई सदस्यों के गिरफ्तार होने के बाद लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय, विधानसभा की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक। डीसीपीएलओ नवीन अरोरा ने लखनऊ के सभी बड़े अधिकारियों को पुलिस लाइन बुलाया। कल से शुरू होने वाले विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पर चर्चा। इस बार विधानसभा पर चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस। एटीएस कमांडो भी विधानसभा की सुरक्षा में रहेंगे तैनात। कल एसटीएफ ने 2 एफआई सदस्यों को गुडम्बा से किया था गिरफ्तार। राजधानी को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की थी योजना। कई अति महत्वपूर्ण जगह पर बम ब्लास्ट की थी तैयारी। भारी मात्रा में मिला था हैवी एक्सप्लोसिव। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और ये 18 तारीख से 10 मार्च तक चलेगा। इसको लेकर यहाँ हर समय सत्र के दौरान ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, जिसमें अंदर विधानसभा की और बाहर की ड्यूटियाँ लगती हैं। इसमें सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वायरलेस, फायर सर्विस और पीएसी की ड्यूटियाँ होती हैं। इसमें एटीएस एसटीएफ को भी बताया जाता है। एटीएस की एक स्पॉट फाइटर टीम भी आई हुई है। तो इन सभी की आज ब्रीफिंग थी और ब्रीफिंग और के बाद ये रिहर्सल्स कराई जाएगी और वापस शाम को डिब्रीफिंग सेशन होगा, जिसमें जो भी हमारी और ड्यूटी में फाइनल ट्यूनिंग करनी है वो करेंगे। इसमें 2 जोन और 7 सेक्टर्स में पूरे इस ड्यूटी क्षेत्र को अंदर के बांटा गया है, जिसमें कुछ हिस्सा बाहर का विधानसभा से लगता हुआ कवर होता है। इसके अलावा क्यूआरटी टीमें और पिकेट्स और नाइट की ड्यूटीज़ सेंट्रल जोन्स के द्वारा लगाई जाती हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही विधानसभा सचिवालय के कुछ मैंडेट्स हैं, जिनके तहत माननीय विधायकों की और गाड़ियों की, वाहन की और उनकी पर्सनल चेकिंग सचिवालय सुरक्षा द्वारा की जाती है। बाकी आने जाने वाले व्यक्तियों के पासेस देखे जाते हैं। मीडिया के भी इक्विपमेंट और पास की प्रॉपर चेकिंग सचिवालय सुरक्षा द्वारा की जाती है और ऑथराइजेशन दिया जाता है। इस समय कोई भी व्यक्ति बाहरी इस तरह का ना आए जिससे किसी प्रकार का खतरा हो। तो सघन एक्सेस कंट्रोल, एएस चेक, PDDS और माइन एंटी माइन टीम्स के द्वारा, LIU की टीमों के द्वारा ये चेकिंग कराई जा रही है। हमें करीब 150 से अधिक स्पेशलाइज्ड LIU स्टाफ इस काम के लिए मिला हुआ है। ओवरऑल लगभग हम 600-700 लोगों की ड्यूटियाँ यहाँ लगा रहे हैं, जो इन 2 जोन 7 सेक्टर्स के अलावा बाकी ड्यूटियों में रहेंगे। वॉच टावर ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं और इनको ब्रीफ किया गया है कि किस तरह से किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों के धरना प्रदर्शन, किसानों के आंदोलन के दौरान धरना प्रदर्शन, जो कुछ शिक्षकों की या कर्मचारियों की भर्ती के संबंधित छात्रों के कुछ इश्यूज चल रहे हैं और PFI की गतिविधियां, इन सब को लेकर हमने एक जनरल अलर्ट सभी को बताया। सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट्स और जो बाहर से रुकने के स्थान हैं, स्टे प्लेसेज, वहाँ आने वाले बाहर से रुकने वाले लोगों के वेरिफिकेशंस के लिए कहा गया। सर, कल 2 PFI के सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं गुड़म्बा से, उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई लखनऊ के ऐसे अति महत्वपूर्ण जगह थी जिसको, जहां पे वो विस्फोट करना चाहते थे, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से आपने जो अपने अधिकारी हैं और जो भी आपके मातहत हैं उनको निर्देश दिया और किस तरह से तैयारी दी? इसको हमने 2 भागों में बांटा है कि जो कल जो पकड़े गए हैं STF के द्वारा, उनकी जो शेयरिंग हुई है वो इंटेलिजेंस और JCP क्राइम साहब के साथ हुई है। उनसे जो इनपुट हमें मिला है उसके आधार पर हम अपने लाइन ऑर्डर को बंदोबस्त पर चाक चौबंद कर रहे हैं। सभी लोगों को जो इनकी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताया गया है, जो इंट्रोगेशन में तथ्य रिवील हुए हैं वो बताए गए हैं। और PFI के जो लखनऊ में रहने वाले सदस्य और प्रदेश के सदस्य हैं, उन पर 17 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भी रखी जा रही है और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के माध्यम से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि एक ओवरऑल हमें सिनेरियो पता हो और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने से पहले हम उसको प्रॉपरली रिटेलिएट कर सकें। सर, आमतौर से देखा जाए, ख़ासतौर से जब कोई रुकता है होटल या कहीं भी रूम लेकर, तो उनकी चेकिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसे लोग घुस आते हैं कहीं भी, तो इसको लेके क्या देखा? मैं ये अपने समय का कह सकता हूँ कि 1 साल से जब से कमिश्नरेट बना है, नियमित रूप से ये चेकिंग कराई जा रही है और हम 7-8 बार 1 साल के अंदर बड़े पैमाने पे सारे जोन्स में सारे होटल, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि गेस्ट हाउसेस और जो प्राइवेट कंपनियों के गेस्ट हाउसेज हैं उनकी भी हमने चेकिंग कराई है। तो कोशिश हमारी यही रहती है। इसके अलावा कई बार अपार्टमेंट्स भी चेक कराए गए, तो कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति ना आए, संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और अपने साथ कोई ऐसा वाहन लेके ना आए जिससे किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी की संभावना हो। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है। थैंक यू।